आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई सोच और विचार के साथ। आज हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको ऑर्थोग्राफी में कन्वर्ट किए हैं। आज हमारा सेकेंड वीडियो है। इस सेकेंड वीडियो में हम यह जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे ऑर्थोग्राफी बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब हम लोग ऑर्थोग्राफी बनाते हैं तो ऑर्थोग्राफी बनाने का मेरा दो तरीका होता है। एक होता है फर्स्ट एंगल। कौन सा होता है? फर्स्ट एंगल होता है हमारा। और जो दूसरा होता है वह क्या होता है? वह होता है हमारा थर्ड एंगल। क्या होता है? थर्ड एंगल। यानी कि हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दो विधि से बनाते हैं, फर्स्ट एंगल में बनाते हैं, थर्ड एंगल में बनाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल क्या है और थर्ड एंगल क्या है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि हमारे पास एक पेज है, हमने पेज को क्या किया है चार बराबर भागों में बांट रखा है। और चार बराबर भागों में बांटने के बाद यहाँ पर हमने नमी कर दिया। ये मेरा पहला हो गया खंडा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पे क्या किए हैं हमने, यहाँ पे एक दो तीन और चार हमने यहाँ पर कर दिया। ये जो हमारी लाइन इसे हम करते हैं वीपी यानी कि वर्टिकल लाइन करते हैं, इसे हम करते हैं एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं। ये सब क्या कहेंगे, एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे क्या कहेंगे हम लोग वीपी यानी कि वर्टिकल लाइन। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये मेरा थर्ड एंगल है, यह मेरा फर्स्ट एंगल है, यह मेरा जो नीचे वाला है थर्ड एंगल है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, यह आपको दिख रहा है। इस ऑब्जेक्ट या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम इस सामने वाले को हम देख रहे हैं। जैसा कि कल हम आपको बता चुके हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट में जब इस कोने से देखेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट के तीन भाग दिखाई देंगे। एक बड़ा भाग दिखाई देगा, ये वाला, ये सामने का भाग दिखाई देगा और ये ऊपर का भाग दिखाई देगा। सेम उसी तरह हमारे पास यह ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम इस कॉर्नर से देख रहे हैं तो कॉर्नर से देखेंगे तो हमें इधर का भाग दिखाई देगा, इधर का भाग दिखाई देगा और ऊपर का भाग हमें दिखाई देगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के तीन भाग हमको दिखाई देंगे और इस तीनों भागों को हमें क्या करना है, हमें व्यू के रूप में निकाल देना है कि कौन भाग है कहाँ किस तरह से दिखाई देगा। उस चीज को हमें क्या करना है, ग्राफ पेज पर या ग्राफ पेज के माध्यम से क्या करना है, बना देना है। तो यह जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ये जो सामने हम देख रहे हैं इसे हम लोग फ्रंट नाम रखे हैं, ये जो बगल में है इसे हमने साइड नाम रखा है और जो ऊपर वाला है मेरा क्या है टॉप है। आपको बता चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मिलता है बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट में फ्रंट साइड और टॉप नहीं दिया होगा तो ऊपर वाला भाग हमेशा हमारा टॉप होता है। जो भाग सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है उसे हम फ्रंट मानते हैं और जो भाग हमें कम दिखाई देता है उसे हम क्या मान लेते हैं, साइड हम मान लेते हैं। तो यह मेरा फ्रंट हो गया, यह मेरा साइड हो गया, यह मेरा टॉप हो गया। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि फर्स्ट एंगल में जो मेरा फ्रंट होता है क्या होता है, फ्रंट, ये जो फ्रंट है ये नीचे से दिखने वाला भाग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट को हम लोग कहाँ बनाते हैं, फ्रंट को हम लोग ऊपर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? ऊपर बनाते हैं। यानी कि नीचे से दिखाई देने वाला भाग कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। क्लियर? यह जो मेरा टॉप है या टॉप ऊपर से दिखाई देता है, यानी कि टॉप को हम लोग कहाँ बनाते हैं, टॉप को हम फ्रंट के नीचे बनाते हैं। यानी कि ऊपर से दिखाई देने वाले भाग को हम कहाँ बनाते हैं, फ्रंट के नीचे बनाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यह जो टॉप है यह ऊपर दिखाई देता है, इसे हम कहाँ बनाएंगे, फ्रंट के नीचे बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं साइड की। तो यदि यह मेरा साइड दाहिने साइड में होगा, किस साइड में होगा, दाहिने साइड में होगा, तो हम फ्रंट के बाएं साइड में क्या करेंगे, साइड को बनाएंगे। यदि मेरा यह साइड बाएं साइड में होगा तो फ्रंट के बगल में हम लोग दाएं साइड में क्या करेंगे, बनाएंगे। जबकि थर्ड एंगल में क्या होता है कि नीचे का जो मेरा फ्रंट होता है यानी कि नीचे से दिखाई देने वाले भाग को हम लोग नीचे बनाते हैं, ऊपर से दिखाई देने वाले भाग को हम लोग ऊपर बनाते हैं और साइड से दिखाई देने वाले भाग को हम क्या करते हैं, साइड में बनाते हैं। यदि हमारा साइड बायां होगा तो फ्रंट के बाएं तरफ बनाएंगे, यदि मेरा साइड दायां होगा तो फ्रंट हम दाएं साइड में हम बनाएंगे। अब हम चलते हैं किस प्रकार हम यहाँ पर निकालते हैं व्यू। अब देखिए अब हम इसे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट का यह मेरा फ्रंट हो गया, तो फ्रंट में यह जो भाग है हमारा, यह जो भाग है फ्रंट में दिखाई देगा। क्लियर? यह जो भाग है यह मेरा फ्रंट में भी दिखाई देगा और टॉप में भी दिखाई देगा। यह जो मेरा भाग है यह फ्रंट और टॉप दोनों में दिखाई देगा, क्योंकि यह भाग क्या है, यह भाग मेरा टेपर है, तिरछा है, तो यह भाग मेरा टॉप में भी दिखाई देगा और फ्रंट में भी दिखाई देगा। तो फ्रंट का यह मेरा पहला भाग हो गया, पहला पार्ट हो गया। फ्रंट का यह मेरा दूसरा पार्ट हो गया, यह भी फ्रंट में दिखाई देगा और फ्रंट का यह मेरा तीसरा पार्ट हो गया। क्लियर? तो एक दो और ये तीसरा पार्ट हो गया और ये फ्रंट का यह मेरा चौथा पार्ट है, यह टॉप में और फ्रंट में दोनों में दिखाई देगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं टॉप यानी कि ऊपर से
कौन से भाग दिखाई देंगे, तो ऊपर से सबसे पहले हमको ये दिखाई देगा, तो ये टॉप का मेरा पहला भाग हो गया, यह भी दिखाई देगा हमको, ये टॉप का मेरा दूसरा भाग हो गया, यह भी हमको दिखाई देगा टॉप का मेरा तीसरा भाग हो गया, और टॉप का मेरा क्या हो गया चौथा भाग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साइड की, तो साइड में पूरा का पूरा हमें एरिया दिखाई देगा, तो साइड का यह मेरा पहला भाग हो गया, कौन सा भाग है मेरा साइड का, ये तो साइड का यह मेरा पहला पार्ट हो गया और साइड का यह मेरा दूसरा पार्ट हो गया, यानी कि एक और ये दो, यानी कि एक पार्ट और दो पार्ट हमारे साइड में दिखाई देंगे। क्लियर, फ्रंट में एक एक पार्ट मेरा ये हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। फ्रंट में कितने दिखाई देगा हमें, फ्रंट में हमें चार पार्ट दिखाई देंगे। अब बात करते हैं टॉप में, तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और ये चार पार्ट हमें, सॉरी एक पार्ट, दो, एक पार्ट ये मेरा हो गया, ये टॉप का दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये मेरा टॉप का चौथा पार्ट हो गया। अब देखते हैं दिखाई कैसे देगा, तो हम फ्रंट की चर्चा कर लेते हैं। तो जो मेरा फ्रंट है वो इस आकृति में दिखाई देगा, अब देखिए यह मेरा फ्रंट हो गया, फ्रंट हमारा इस आकृति में दिखाई देगा, फ्रंट का यह पहला पार्ट हो गया आपको दिखाई दे रहा है, फ्रंट का यह दूसरा पार्ट हो गया, फ्रंट का यह तीसरा पार्ट हो गया और फ्रंट का यह चौथा पार्ट है। क्लियर, बात समझ में आ गई, फ्रंट हमें ऐसा दिखाई देगा। अब चर्चा कर लेते हैं टॉप की, तो जो हमारा टॉप होगा टॉप कैसे दिखाई देगा, तो टॉप भी हमारा सेम इसी आकृति में दिखाई देगा, यह मेरा भाग है टॉप का हो गया, देख लीजिए टॉप का यह पहला मेरा भाग हो गया, यह टॉप का दूसरा भाग हो गया और यह टॉप का मेरा तीसरा भाग हो गया, और यह मेरा टॉप है या फ्रंट और टॉप दोनों में दिखाई देगा, तो क्या हो गया आपका टॉप का ये चौथा पार्ट हो गया। ये आकृति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक दो तीन और ये चार, और इसकी जो आकृति हो गई एक दो तीन चार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। साइड की बात कर लेते हैं, तो साइड हमें जो है इस तरीके का कुछ भाग यहाँ पर दिखाई देगा, यह आपको दिख रहा है, यह मेरा साइड का भाग ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, मेरा साइड का हो गया, यह साइड का मेरा पहला भाग हो गया और साइड का मेरा दूसरा भाग हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर तो हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पर देख लिया कौन कौन से भाग किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि अब इस पार्ट को हमें क्या करना है, तो हमें एक ड्राइंग के पेज के ऊपर बनाना है, ड्राइंग के पेज के ऊपर तैयार करना है। तो तैयार करते समय इसमें जो माप तौल है वो क्या है, जरूरी है, क्या है माप तौल जरूरी है। यदि हम इस प्रकार से ड्राइंग बनाते हैं तो हमारा बनाया गया जो ड्राइंग का जो व्यू होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं माप तौल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा फ्रंट है या मेरा टॉप है और या मेरा साइड है, क्लियर, तो तीनों व्यू के बीच में, तीनों व्यू के बीच में यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है, क्या है कुछ डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, अपने अनुरूप यहाँ पर रख लेना है। चाहे पे मान करें तो दोनों व्यू के बीच का डिस्टेंस हम 10 रख सकते हैं, यहाँ का डिस्टेंस 10 रख सकते हैं, मन करेगा तो दोनों व्यू का डिस्टेंस हम 15 रख सकते हैं यहाँ पर, मन करेगा तो यहाँ पर हम 20 रख सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि जो मेरे तीनों व्यू हैं, तीनों व्यू का बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यदि हम 10 रखेंगे तीनों जगह 10 होना चाहिए, यदि हम 20 रखेंगे आपका तीनों जगह 20 होना चाहिए, यदि हम 15 रखेंगे तीनों जगह मेरा क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो हमारा ये जो क्लास है, ये पहला क्लास है, हम अभी स्टार्टिंग में ड्राइंग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो दोनों व्यू के बीच में जो दूरी है उसे हम 10 ना रख करके हम कितना रख लेते हैं, 20 रख लेते हैं, कितना रखते हैं 20 हम रख लेते हैं। तब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, हमारे पास वर्टिकल लाइन हो गई, यहाँ पर लिख देंगे वीपी, क्या कर देंगे इसे हम वीपी कर देंगे। क्लियर, या वीपी नंबर मेरा 1 हो गया, 1 हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं कि वर्टिकल लाइन के ठीक यहाँ पर हम क्या किए, वर्टिकल लाइन हो गया, अब हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि मेरा एचपी 1 हो गया। क्लियर, अब इस हम वर्टिकल लाइन के समानांतर 10 mm छोड़ कर, कितना mm, 10 mm छोड़ कर हम क्या करते हैं, हम एक और लाइन ले लेते हैं। क्लियर, ठीक इसके बगल में 10 mm छोड़ कर हम एक और लाइन लेते हैं, ले लिए, बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब क्या करते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ठीक, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 10 mm छोड़ कर एक और समांतर लाइन खींच ले लेते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक और लाइन खींच लेते हैं। अब ये जो मेरा बॉक्स बन गया, ये मेरा पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया और या मेरा चौथा बॉक्स हो गया। क्लियर, हमें जो व्यू निकाल रहा है किस एंगल में निकाल रहे हैं, व्यू तो व्यू हम निकाल रहे हैं थर्ड एंगल, किस एंगल में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम व्यू निकाल रहे हैं, यह मेरा एंगल कौन सा है, यह मेरा थर्ड एंगल है। तो जब यह थर्ड एंगल में व्यू निकलेगा
तो यहाँ पर दाईं की बात आप समझ गए होंगे कि फ्रंट मेरा नीचे होगा, फ्रंट के ऊपर मेरा टॉप होगा और फ्रंट के बगल में क्या होगा मेरा साइड होगा। ये तिमासन में आ गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फ्रंट को बनाना है। क्या करना है, फ्रंट को बनाना। देखिए हम फ्रंट कैसे बनाएंगे, तो हम आते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो इस आकृति में सबसे पहले ये जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि जो मेरा रकबा है वो रकबा कितना है। रकबा मतलब कि मेरा जो पूरा जो एरिया है वो एरिया कितना है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट की। किसकी चर्चा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट की। इसका हाइट कितना है, तो यहाँ पर 15 हाइट है और यहाँ पर कितना है 25 है। तो 15 और 25 कितना हो जाएगा आपका 40। यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, उस ऑब्जेक्ट का हाइट है 40। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर के नीचे की तरफ हम क्या करेंगे 40 mm। कितना mm जी, 40 mm। 40 mm लाइन हमने क्या किया, पूरा का पूरा हमने डार्क कर दिया। यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, आप तीनों लाइनें देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों लाइनें आपकी हल्की होंगी और महीन होंगी। क्या होंगी, हल्की होंगी और महीन होंगी। हल्की और महीन क्यों होंगी, क्योंकि इन लाइनों को हमें क्या करना है, बाद में जैसे ही मेरा व्यू बन जाएगा उसके अनुसार क्या करेगा, इन लाइनों को आपस में, ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर क्या करना, आपको बाद में आगे इसे क्या करना है, मिटा देना है। क्या करना है, मिटा देना है। इसलिए लाइनों को हम क्या करेंगे, हल्का रखेंगे और महीन रखेंगे। तो हमने क्या किया, हमारा जो हाइट है, हम हाइट क्या ले लिया, हाइट ले लिया यहाँ पर 40। आपको दिख रहा है ये हाइट का कितना हो गया, 40 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लंबाई, तो लंबाई कितना मेरा यहाँ पर, तो लंबाई मेरा हो गया 75। तो हम क्या करेंगे, इधर कितना चले हम, इधर चले आए हम 75। आपको दिख रहा है कितना कितना है, हम कॉपी कर ले, कितना हो गया मेरा ये 75। तो यहाँ पर जो मेरा बॉक्स बनेगा, बॉक्स कितने का बनेगा, वो बॉक्स मेरा बनेगा 40x75। मेरा बॉक्स कितने का बन गया, 40x75 का मेरा यहाँ पर बॉक्स तैयार हो गया। अब देखना है क्या चीज की, नीचे से ये कितना उठे हम, 15 उठे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर से उठ जाएंगे 15, इधर उठ जाएंगे हम 15। उठने के बाद क्या करेंगे, इस हमने क्या कर रखा है, मिला रखा है। हमने यहाँ पे क्या किया, मिला दिया यहाँ पर। अब मिलाने के बाद देखते हैं कि इधर से और इधर से, तो ये मेरे बीच में कितना है, मेरे कितना, तो यहाँ मेरा है 75। कितना टोटल, 75। और ये बीच में कितना है, तो जो बीच का ये जो मेरा तिरछा जो दिया गया है कितना है, 15 है। तो 75 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा मेरा, बचेगा मेरा 60। इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई मेरी 30 होगी और ये लंबाई इधर कितनी होगी मेरी, 30 होगी। बात समझ में आ गई। तो इधर से हम 30 mm बढ़ जाएंगे और इधर से हम 30 mm बढ़ जाएंगे। दोनों तरफ हम 30 mm बढ़ गए। बढ़ने के बाद क्या करेंगे, ऊपर भी हम इधर 30 mm आ जाएंगे और इधर कितना जाएंगे, 30 mm आ जाएंगे। और आप क्या करेंगे, लाइनों को हम मिला देंगे। मिल गया मेरा ये, क्लियर। मेरा फ्रंट तैयार हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, फ्रंट का मेरा पहला भाग हो गया, यह फ्रंट का मेरा दूसरा भाग हो गया, यह फ्रंट का मेरा तीसरा भाग हो गया और यह फ्रंट का मेरा चौथा भाग हो गया। मेरा फ्रंट तैयार हो गया। अब फ्रंट के ऊपर क्या करना है, फ्रंट के ऊपर हमें टॉप बनाना है। क्या करना है, फ्रंट के ऊपर हमें टॉप बनाना है। तो हम टॉप जब बनाएंगे तो टॉप का भी हम रकबा निकाल देंगे, इसका टोटल रकबा कितना है। तो टॉप में क्या होगा, जितनी लंबाई फ्रंट की होगी उतनी ही लंबाई हमारे टॉप की भी होगी। क्या होगी, टॉप की भी लंबाई होगी। तो यहां से यहां टॉप की लंबाई मेरी कितनी हो गई, 75 हो गई। बात समझ आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का जितना चौड़ाई होगा क्या होगा, चौड़ाई होगा, क्या होगा जी, चौड़ाई होगा। तो वही चीज हमारा किसी में जाकर के, टॉप में जाकर के यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें हाइट के अनुरूप मानेंगे। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 45। तो मेरा टॉप का चौड़ाई कितना होगा, 45 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, कितना है मैम, 45 है। अब क्या करेंगे, 75x45 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। क्या किया हम यहाँ पर, 75x45 का हमने क्या कर रखा है, तो 75x45 का हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया, बन गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में ऊपर से इधर के तक कितना आए हैं, 15 आए हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, ऊपर से इधर कितना आएंगे, 15, इधर कितना लाइन आएंगे, 15। आने के बाद क्या है, लाइनिंग मिली हुई है, क्या करेंगे यहाँ पर, लाइनिंग वहाँ पर मिला देंगे, मिला दिए, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट यहाँ से कितना, 30 इधर, इधर कितना हमारा, 30 है। तो सेम उसी प्रकार इधर देखिए, ये जो हमारा टॉप हो गया, टॉप में इधर कितना आए हैं, 30, इधर कितना आए हैं, 30। तब क्या करें, इधर कितना चले आएंगे, 30, इधर कितना चले आएंगे, 30, इधर कितना लेंगे, 30, यहाँ पर डॉट हो गया ना 30। अब क्या करेंगे, आप कौन सा हमने मिला दें, मिला दिए, ये हमारा टॉप बन करके तैयार हो गया। ये टॉप का कौन सा है, ये टॉप का भाग नंबर 1 हो गया। यह टॉप का मेरा भाग नंबर कौन सा है, टॉप का, या मेरा टॉप का भाग नंबर 2 हो गया, ये टॉप का भाग नंबर 3 हो गया और ये टॉप का भाग नंबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया।
इतना बात आपको ध्यान देना है कि हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये पार्ट पेपर है या जो पार्ट हमारा फ्रंट में भी दिखाई देगा हमको और टॉप में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट तैयार हो गया, यहाँ पे मेरा टॉप तैयार हो गया, हम तैयार कर लेते हैं कि इसको साइड रो, क्या करते हैं साइड रो, क्लियर। तो हम साइड की बात चर्चा कर लेते हैं, साइड हमें तैयार करना है तो साइड को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को इधर की तरफ बढ़ा देते हैं, हमारा लाइन यहाँ बढ़ गया, क्लियर। अब बढ़ाने के बाद हम सेम इस पर से क्या करते हैं कि इस लाइन को इधर की तरफ डाल देते हैं, ला दिए, क्या किया सेम इस पर से क्या कर रखा लाइन को हमने इधर की तरफ ला दिए, ला दिए। अब लाने के बाद ये जो लाइन है इस लाइन क्या करेंगे नीचे की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर जो लाइन है क्या करेंगे नीचे की तरफ चले जाएंगे, चले 90 पर, 90 पर चले आए। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे इधर की तरफ बढ़ जाएंगे, सेम तरफ बढ़ गए, यहाँ पर यह लाइन इस लाइन को क्या करेंगे इधर की तरफ बढ़ जाएंगे, बढ़ गया था, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर बात समझ आ गया मुझे कि नहीं आ रही, यहाँ पर बात समझ आ गया आगे आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया सेतु स्क्वायर पर यहाँ पर आकर के या जो तिरछा हम सेतु स्क्वायर पर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए और जो लाइनिंग हमने सीधा कर दिया है, सीधा कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर देख लेते हैं। तो इससे हम साइड की चर्चा कर लेते हैं, तो साइड की जो साइड का ये जो हमारा क्या है साइड की बात करें तो साइड का जो मेरा लंबाई है साइड की लंबाई, साइड की लंबाई कितनी है 45 है, कितने जी 45 बात समझ में आ गई। और इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है मेरा 15 और 25 कितना हो जाएगा मेरा 40, यानी कि जो मेरा साइड है साइड का कुल लगभग कितना है 45/40 का, क्योंकि हाइट कितनी है पर हाइट मेरी 45 है और चौड़ाई सॉरी हाइट मेरा जो है 40 है, चौड़ाई कितनी है 45 है। तो हमारे इस ऑब्जेक्ट की हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का जो रकबा है वो 45/40 का है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारी लाइनिंग हो गई इसे मिटा देते हैं, हमारे पास अभी सेट स्क्वायर पर है नहीं, विदाउट में सेट स्क्वायर के माध्यम से बनाना है। तो देखिए अब यहाँ पर ले ली, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसका जो हमारा इस ऑब्जेक्ट की जो चौड़ाई चौड़ाई कितनी मेरी 75 है, तब क्या करेंगे इधर से इधर कितना बढ़ जाएंगे, सॉरी ये हमारा 45 बन जाएगा, तब इधर कितना बढ़ जाएंगे यहाँ पर हम आ जाएंगे 45, हम 45 आ गए। अब चर्चा कर लेते हैं हाइट कितना मेरा है 40, तो हम कहाँ चले जाएंगे ऊपर से कहाँ चले जाएंगे नीचे, कितना पर आ गए 40 पे, तो हम क्या करें यहाँ पर हम यहाँ पर हमने क्या किया 40/45 का हमने बॉक्स तैयार कर दिया, हमने क्या किया यहाँ पर तो 40/45 का हमने यहाँ पर बॉक्स तैयार कर दिया, इसमें कोई कहीं डाउट तो नहीं आप लोगों को, ये मेरा बॉक्स कितने का तैयार हो गया 40/45 का बॉक्स तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना उठे हैं, तो यहाँ पर उठे हैं 15, तो यहाँ पर कितना उठेंगे 15 उठेंगे, क्लियर। अब हम इधर कितना बढ़े हैं, तो टोटल कितना है, टोटल है मेरा 45, कितना टोटल 45, क्लियर। यह जो हाइट कितना है, हाइट मेरा यहाँ मेरा जो हाइट है 15 है, तो यहाँ भी 15 होगा, यह भी मेरा 15 है, यहाँ भी मेरा क्या होगा 15 होगा, तो हम क्या करेंगे इस यहाँ पर कितना उठ जाएंगे, यहाँ पर उठेंगे 15 और 15 उठेगा कितना लेंगे हम, क्योंकि टोटल कितना है टोटल मेरा 45 है और यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है मेरा, तो यहाँ पर हो रहा है ये मेरा 45 हो गया, ये मेरा 15 है, तो यहाँ पे कितना होगा 15 होगा, तो 45 में से 15 कितना बचेगा, यानी कि जो मेरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30 है, इधर कितना बढ़ेंगे इधर बढ़ जाएंगे 30, बढ़ गया 30 इधर। अब 30 बढ़ने के बाद हम क्या कहाँ गए हैं, ऊपर गए, ऊपर गए ऊपर कितना जाएंगे, तो मेरा टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है मेरा 40, 40 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 40 में से माइनस करेंगे हम 15, कितना बचेगा मेरा 25, ऊपर हम कितना चलेंगे हम 15 आ गए, इसमें कोई डाउट है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये जो कॉर्नर का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, तब क्या करेंगे हम इस सिरे से लेकर यहाँ पर इसे हम मिलाते हैं, मेरा मिल गया कोई दिक्कत। अब देखिए मेरा साइड का या मेरा कौन सा भाग हो गया, पहला भाग हो गया साइड का, यह पहला भाग बन गया और ये साइड का दूसरा भाग है, ये साइड का मेरा दूसरा भाग है, क्लियर। हमारा जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है अकॉर्डिंग में बन करके तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करें हम, इसके बाद इसे मिटा देंगे, इसे मिटा रहा देख लीजिए, ये जो हमारा बाकी जो हमारी फालतू लाइनें हैं, फालतू लाइन को हमने क्या कर दिया है, इन फालतू अब देखिए यह जो मेरा व्यू है ऑर्थोग्राफी जो मेरा प्रोजेक्शन को बनाना है, यह मेरा प्रोजेक्शन तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देना है कि ये जो मेरा फ्रंट है, फ्रंट जिस लाइनिंग में गया है सेम उसी रेशियो में उसी सिधाई में मेरा साइड भी जाना चाहिए और सेम उसी सिधाई में मेरा टॉप भी जाना चाहिए, यानी कि मेरा
फ्रंट यहाँ पर बन गया और टॉप मेरा बगल में बन गया, तो क्या हो जाएगा मेरा वो गलत हो जाएगा। ये देखिए साइड मेरा यहाँ पर बना तो साइड क्या करेंगे ऊपर हटा देंगे नीचे हटा देंगे, तो ऊपर या नीचे घटेगा तो क्या हो जाएगा यह मेरा गलत हो जाएगा, यानी कि जो मेरा फ्रंट है और बगल में साइड है ये सब क्या होगा एक ही लाइन पर होगा। ये जो मेरा ऊपर वाला दिया गया है वो भी क्या होगा सेम एक ही लाइन पर होगा, दोनों के बीच में इधर उधर कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या कर देते हैं, अब यहाँ पर हम इसका हम डायमेंशनिंग कर देते हैं, क्या करते हैं डायमेंशनिंग कर देते हैं। हम क्या किए चलाए हम आने के बाद यहाँ इधर चले, अब हमें क्या करना है डायमेंशनिंग कर देना है। क्लियर। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई हमारी है 75। क्लियर। यहाँ से यहाँ कितना है मेरा, तो यहाँ से यहाँ मेरा 30 है, यहाँ से यहाँ कितना है मेरा 30 है, कर लेते हैं हम 30, यहाँ पर कर लेंगे 30, यहाँ कितना कर लेंगे 15, 30 30 7 15 75 हो गया इसका लंबाई। अब चलिए अब आते हैं बगल वाले में इधर की तरफ, तो यहाँ पर ये टोटल कितना है, ये तो चौड़ाई में है, टोटल चौड़ाई में है 45, कितनी है 45। अब देखिए 45 में यह जो पार्ट है यह पार्ट मेरा कितने का है, यह मेरा ऊपर वाला जो पार्ट है यह पार्ट मेरा कितने का है, यह मेरा भाग है आता कितने का, यह मेरा पार्ट है कितने का 15 का, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे देंगे 15, यहाँ कितना बचेगा, यह बचेगा आपका 30 से 15 कितना हो गया 45 आपका हो गया। अब आगे बात है इसकी हाइट की, तो हाइट यहाँ पर बना देते हैं, मेरा हाइट आ गया देख लीजिए, अब जो मेरा हाइट है हाइट का चर्चा कर लेते हैं, तो मेरा हाइट ये कितना है, तो हाइट यहाँ मेरा है 15 है और यह जो मेरा हाइट है कितना है 25 है। अब देख लीजिए ऊपर वाला जो मेरा टॉप है टॉप वाले का जो है डायमेंशनिंग हमको नहीं करना है, हमें केवल डायमेंशनिंग किसका करना है फ्रंट का करना है और साइड का करना है, फ्रंट और साइड का जब हम डायमेंशनिंग कर देंगे जो मेरा टॉप है उसका डायमेंशनिंग खुद निकल जाएगा। बात समझ आ गई, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर मेरा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें थर्ड एंगल का जो सिंबल है थर्ड एंगल का हमको सिंबल क्या करना है, हमें थर्ड एंगल का यहाँ पर सिंबल बना देना है, यह जो सिंबल है यहाँ थर्ड एंगल का है, थर्ड एंगल का सिंबल बन गया। अब बनाने के बाद यहाँ पर दो बातें हैं लिख देनी होती है, पहला क्या चीज कि ऑल डायमेंशन इन एम ऑल डायमेंशन इन एम एम, और इसके साथ में क्या करना है हमें लिख देना होगा स्केल, क्या लिखना होगा स्केल, स्केल क्यों लिखेंगे क्योंकि यह जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की जो लंबाई चौड़ाई दी गई है उस लंबाई चौड़ाई के अनुरूप हमने यहाँ पर व्यू निकाला है, यानी कि इस यह जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इस ऑब्जेक्ट की इतनी लंबाई चौड़ाई है सेम उसी लंबाई चौड़ाई के अनुरूप, यानी कि इतना लंबाई चौड़ाई इसका है सेम उतनी लंबाई चौड़ाई का हमने क्या कर रखा है यहाँ पर बना रखा है व्यू निकाल रखा है। तो यदि दोनों स्केल सेम होगा तब क्या रखेंगे स्केल एक अनुपात एक रखेंगे, जैसे यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई है हमारे फ्रंट की 75 है और यहाँ पर हमने कितना रखा है यहाँ पर रखा है 75, यानी कि जो स्केल इसका है सेम स्केल इसका भी है, तो यहाँ पर जब स्केल लिखेंगे यहाँ पर जो है स्केल होगा स्केल क्या होगा एक अनुपात एक होगा। बात समझ में आ गई, तो हमने हमारा यहाँ पे जो है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बन करके तैयार हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑल डायमेंशन इन एम एम और स्केल क्या लिखेंगे एक अनुपात एक। क्लियर।